दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय देहरा पब्लिक स्कूल खबली। शाहपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले जम्मू कश्मीर के लोगों को भेजने की तैयारी प्रशासन ने कर ली है। घर जाने की जहां खुशी उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती है, वहीं उन्हें इस बात की भी चिंता है, यहां रोजगार के लिए आए थे तथा वैश्विक कोरोना महामारी के चलते बिना किसी नौकरी के वापस अपने राज्य जाना पड़ रहा है। हालांकि इन्हें प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है, पर रोजगार जाने की चिंता जरूर है। इनमें से ज्यादातर लोग कंबल रजाई बेचने वाले हैं। अभी आप कहां जा रहे हो? अभी हम घर जा रहे हैं। कौन भेज रहा है? कश्मीर जा रहे हैं, हम आज घर जा रहे हैं। कौन भेज रहा है आपको? आपको एसडीएम साहब भेज रहा है जी, शाहपुर से। आपका क्या नाम है? सर गुलाम कादर मीर। कहाँ के रहने वाले हो? हम श्रीनगर के हैं, कुपवाड़ा के सर। क्या काम करते हो? हम सर फेरी लगाते हैं, कंबल शॉल का काम कर रहे हैं सर। तो द्रमन में रहते हैं सर हम, इस वक्त 37 आदमी जा रहे हैं। तो ये सब इंतजाम एसडीएम साहब ने किया हमारा। तो कल प्रोग्राम था, कल फिर उनको मैसेज आई है लखनपुर से कि आज मत भेजो, यहाँ बड़ी भीड़ है। फिर इसको हमने सुबह पूछा है, इसने बोला ऐसे ऐसे बड़ी भीड़, मैं आपकी हमदर्दी कर रहा हूँ, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप चिंता मत करो, जब मुझे मैसेज आएगा मैं आपके लिए बंदोबस्त कर दूंगा, आपको भेज दूंगा फर्स्ट क्लास से, मुझे हमदर्दी है आपकी। तो ये साहब एसडीएम साहब ने किया इंतजाम वगैरह जो कुछ किया है। मैं सुनील वर्मा, वर्मा ज्वेलर्स शाहपुर से, आप सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भी बाजार का जरूरी काम करने के लिए आप आ रहे हैं, तो आप अगर बहुत जरूरी है तभी आप बाजार में आइए, आपका वेलकम है, आप जो भी सामान लेना चाहते हैं लीजिए, लेकिन कहीं भी भीड़ ना लगाइए और आराम से अपना सामान लीजिए। दुकान के बाहर खड़े होकर ही दुकानदार को बोल दीजिए कि मुझे ये चाहिए, आपको सामान बाहर मिल जाएगा। और हाथ जो जिस दुकानदार ने सैनिटाइजर रखा है वहाँ पर हाथ जरूर धो के, आप अंदर जाना चाहते हैं तो अंदर जाइए, लेकिन हाथ धो के ही दुकान के अंदर जाइए और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन कीजिए। मेरी तरफ से यही आपसे प्रार्थना है कि ये जो कोरोना महामारी फैली हुई है इसको रोकने के लिए अपना योगदान जरूर दीजिए, तभी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। जय भारत, जय हिंद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी देहरा पब्लिक स्कूल खबली तहसील देहरा नई बुलंदियां छू रहा है। परिश्रमी अध्यापकों एवं समस्त सुविधाओं से लैस यह स्कूल हर वर्ष बढ़िया परिणाम दे रहा है। नर्सरी से लेकर प्लस टू साइंस तक की कक्षाएं इस स्कूल में मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग के द्वारा चलाई जा रही है। हर वर्ष प्लस टू साइंस के 50% विद्यार्थी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में 90% से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। कुछ ही समय में स्कूल से प्लस टू पास विद्यार्थियों ने MBBS और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिला प्राप्त किया है। कई विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट एवं अन्य विभागों में अच्छी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। बेहतर शिक्षा और मजबूत भविष्य के लिए अपने बच्चे का दाखिला DPS खबली में करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मैं धीरज कुमार अत्री, प्रधान ग्राम पंचायत खप्पड़ एवं जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नूरपुर, सभी क्षेत्रवासियों से, अपने पंचायत के लोगों से आग्रह करता हूँ कि इसमें जो वैश्विक महामारी कोरोना संकट इस देश में फैला है, सभी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों जैसे कि अपना फेस कवर पहने, अपने हाथ धोएं साबुन से धोएं, सभी नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखें और इस विपदा की घड़ी में सभी सरकार का साथ दें। इस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं इस गंभीर संकट को रोकने के लिए। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनका सहयोग करें ताकि हम इस आपदा से निपट सकें। जय हिंद, जय भारत। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। COVID-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने COVID-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराएं नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से
साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।